हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बी एमडब्ल्यू राइडर हीरो विद माय अनदर वीडियो। सो पिछले वाले वीडियो में यार मैंने ख्याल नहीं किया था, आप लोगों ने बहुत सारे भाइयों ने कमेंट किया। एक्चुअली मैं जब रात में आया तब मैंने देखा कि मेरा सनग्लास नहीं था यार। ठीक, मैं तो सनग्लास ढूंढ रहा था रात को लेकिन नहीं मिला, लेकिन बाद में जब आप लोग कमेंट कर रहे थे तो पता चला यार सनग्लास गिर गया था। ठीक है, राइड करते वक्त। सो आज जा रहे हैं BMW के वर्कशॉप में और मेरे साथ जा रहा है करण। ठीक है, अभी फ्लैट से निकल रहे हैं तो मेरे पास बाइक 4 दिन नहीं था यार, 4 दिन नहीं देखे तो वर्कशॉप में ही था, बहुत काम था उस दिन। तो बोले थे जब BMW का सर्विस, वो वीडियो शायद आपने देख लिया, और अगर नहीं देखा हो तो मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, चेक कर लीजिएगा। तो वहाँ पर ही जाके देखते हैं कि कितना खर्चा हुआ है और क्या क्या काम हुआ है, आपको डिटेल्स में बताते हैं। फिलहाल अभी 1 लाख खर्चा नहीं हुआ, तो चलो खर्चा तो है लेकिन BM जितना मेंटेन करोगे 1000 RR इतना ज़्यादा मतलब मज़ा आएगा बाइक चला के, यही बात है। सो चलिए फटाफट निकलते हैं। गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि हम लोग वर्कशॉप आ चुके हैं और यहाँ पे बैठे हैं, और मेरे बाइक पे क्या क्या काम हुआ है वो आप लोग को डिटेल्स में बताते हैं। सो वो बताने से पहले आप लोग चलो ड्रोन शॉट्स एंजॉय कर लो। सो फाइनली 4 दिन बाद बाइक देखे राहुल भाई के पास था। ठीक है, राहुल भैया ने इसका बहुत ही अच्छा से देख के तो लग रहा है ध्यान रखा। देख लो गाइस, सो दिस इज द स्टॉक एग्जॉस्ट, ये वाला मैंने लगा लिया, चमक रहा है बेब। सो यहाँ पे इससे पहले वाले दिन राहुल भैया ने यहाँ पे फोटो दिखाया था। ठीक है, ब्रेक पैड एकदम पूरा ख़त्म हो चुका था, तो उस ब्रेक पैड में अगर ज़्यादा चलाते तो यार हो जाता, डिस्प्ले पे का भी हो जाता भैया, हाँ वो ख़राब हो जाता है। तो चलो ये बाइक तो तैयार कर लिए, मतलब स्टॉक एग्जॉस्ट लगा लिए, आपको तो बोले है कि क्यों लगाए हैं, ज़्यादा दिन का बात नहीं है, 20-25 दिन का, फिर आपको और एक बार खाटना पड़ेगा, फिर आपको तंग करेंगे भैया। ठीक है, और गाइस ये देखो, ये सामने का भी दोनों साइड का ब्रेक पैड चेंज हुआ है। ओके, देखो गाइस ये भी ब्रेक पैड चेंज हुआ है। ये बाइक को चला के ब्रेकिंग सिस्टम इसका जो है ना, इसमें और ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है कि चलो बाइक भगाओ, अंदर में एक मतलब कॉन्फिडेंस मिलता है। और गाइस आपको और एक अंकल के साथ मिलाते हैं, ये हम लोग का काका है यहाँ पे। ठीक है, काका यहाँ पे सिक्योरिटी का काम करते हैं, लेकिन काका के साथ यार एकदम काका भतीजा बहुत यार जमता है। सो ऐसा ही है, मैं जब वर्कशॉप आता हूँ लगता है कि अपना ही जगह आ गया हूँ। ठीक है,
यहाँ पे गप्पे शप्पे मारते हैं राहुल भाई मिलके, अंकल के साथ बात होता है, सो ऐसे ही टाइम कट जाता है। ये जो भाई है मेरा बाइक पॉलिश करता है, ठीक है। एंड गाइस सुमन भाई अभी बिलिंग कर रहा है। सुमन भाई बिलिंग कितना हुआ है? 60,048। मैं जो टायर चेंज किया है वो आप लोग को दिखा देते हैं। सर माय ब्रांड न्यू टायर्स, ये तो अभी मिट्टी लगा है। सो मेडसेलर स्पोर्ट्स टेक M5 एंड सामने का भी चेंज हुआ है। अभी अली भाई आ चुका है। ओए भाई सर खोलो। कहाँ से आए? कहाँ से आए? शादी का इंतजाम कर रहे थे खुद का। अभी जाएंगे हम लोग, कहाँ जाएंगे भाई? अली भाई छोटल ही जाएंगे वहाँ पे। चलो गप्पे शप्पे मारेंगे, ठीक है। तो चलिए एकदम मिलते हैं मेरे मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे। चलो अली भाई, चलो गाइस आपको अभी साउंड सुनाता है। मेरा ही मन खराब हो गया। एकदम साउंड नहीं है लेकिन चलो आराम मिलेगा लॉन्ग राइड पे। आते हैं राहुल भाई। हाँ अमन भैया आते हैं। अरे बाप रे, गंदा ना हो जाए यार बाइक। चलो वो अली मेरे कार के पीछे पीछे ही आएगा क्योंकि मतलब वो करण को यहाँ पे कोलकाता का रास्ता ज़्यादा मालूम नहीं है, दैट्स वाई। सो उसको गाइड करके ले आएगा। चलो गाइस ठीक ही है, बाइक तो स्मूथ लग रहा है। ओ यार वहाँ पे एक बड़ा खड्डा था, मैंने ख्याल नहीं किया। सो गाइस आज थोड़ा मतलब अभी आपको शायद विंड नॉइस ज़्यादा लग रहा होगा क्योंकि मैं वाइजर उठा के राइड कर रहा हूँ, दैट्स वाई। सो इसमें वाइट वाइजर नहीं लगा हुआ है, सो माफ़ कर देना भाई लोग अगर विंड नॉइस का कुछ प्रॉब्लम हो। लेकिन क्या लग रहा है बॉस, मतलब बहुत दिन बाद अपने बेब कोट से चला रहा हूँ। एकदम फुल्ली सर्विस हुआ, सब कुछ अपडेट हुआ और चला रहा हूँ। क्योंकि जब मैं कोलकाता आया था तो पहले दिन बाइक चला के आप लोगों ने तो देखा, एक महीने बाद देखा और उसके बाद मैंने सर्विस में दे दिया और वहाँ पे वर्कशॉप में 4 दिन बाइक था। अभी शायद आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा कि साउंड एकदम नहीं है, तो मैंने तो आप लोगों को बोला मैंने मतलब फुल सिस्टम एग्जॉस्ट क्यों चेंज करवाया है। और मुझे भी थोड़ा आराम मिला है यार, मेरा जो फुल सिस्टम है एक्रोपोविक का शॉर्ट जीपी बहुत ही लाउड है। कहाँ जाम में फंस गए। ओ चलो यार जैम में नहीं फंसना है यार, बाइक बहुत ही हीट होता है। फिर जैम या ट्रैफिक्स। सो गाइस जो लोग BMW S1000 RR खरीदने का सोच रहे हो ज़रूर खरीदो यार, क्या बोले एकदम अल्टीमेट होगा। थोड़ा सर्विस कॉस्ट ज़्यादा है दूसरे सुपर बाइक से लेकिन कुछ अलग ही फील देगा आपको यार। यही चिंता लगा रहता है। ओ थैंक्स। चलो यार छोटा छोटा के नज़दीक आ गए, ज़्यादा दूर नहीं है। सो गाइस आ गए छोटल छोटल, ये रहा बेब। चलो अली अली भाई लोग को आने देते हैं। सो गाइस हो गया हम लोग का छोटल छोटल में, तो अली तो बहुत पहले ही चला गया था लेकिन हम लोग अटक गए थे एज बिकॉज बारिश हो रहा था।
अरे बाप रे, चक्का देखो स्किट खा रहा था यार। रास्ते का हालत ऐसा है, अभी बारिश हुआ ना, तो जितना भी आहिस्ते मैं चलाऊं बाइक यार गंदा होने वाला है, क्योंकि सुपर बाइक का टायर का साइज ही ऐसा होता है कि यार गंदा होगा ही, क्या करे, कांट हेल्प इट। और शायद इसका नेक्स्ट वाला वीडियो आ सकता है, मतलब मैंने वो बेनली लिया था ना, तो आप लोगों ने देखा था, तब तो फिरोज भाई को दे चुके थे, तो आज फिरोज भाई ने मुझे पिक्चर्स भेजा, ये मैंने कॉल किया था, फिरोज भाई ने एक दो पिक्चर्स भेजा मुझे, भेजा वो क्या लग रहा है भाई बाइक। सो कल शायद जाएंगे वो बाइक लेने, वो क्या लग रहा है भाई बाइक, कल आपको दिखाएंगे क्या बाइक का न्यू लुक। शायद ये वीडियो आप जब देख रहे हो उसके दो दिन बाद शायद मैं वो वीडियो पुट करूँगा, सो वो भी देख लेना। बस गाइस यही चीज़ नहीं होना था, पूरा दिन चलो अच्छा गया जो भी हो, लेकिन एट द एंड यही नहीं होना था, बारिश हो गया बाइक फिर से गंदा हो गया। सो गाइस ये देख लो बाइक अभी वॉश करवा के सर्विस करवा के लाए थे, फिर से गंदा हो गया यार। मैंने बोला ये देख लो गंदा होना ही है बारिश में, सो क्या करें गाइस, कांट हेल्प इट। सो गाइस वीडियो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, यहाँ तक ही वीडियो था। सो वीडियो अगर किसी वजह से अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, आप लोग का सपोर्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है, और भी सपोर्ट चाहिए। सो कीप लविंग, keep watching and do subscribe my channel. Till then stay tuned for my next videos. Love you all, bye bye.